मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो टाइटल में आपने पढ़ा है या फिर देखा है और जिसको देख के आपने क्लिक किया है इस वीडियो पे, वो कोई क्लिक बेट नहीं है, वो बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर वीजा लेके जाने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है और वह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया भारतवासियों के लिए, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी। लेकिन वहाँ पर फिर भी हालात सामान्य हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नागरिक यूं ही घूमने के लिए जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अब आखिर ये कौन सा राज्य है, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के देखें पूरे अंत तक के। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल ही अनोखे वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी मिलेगी। वो जो राज्य जिस राज्य में वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है और इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है वो है नागालैंड। वो एक्चुअल में वीज़ा नहीं है, लेकिन वो वीज़ा की तरह होता है। अब ये इनर लाइन परमिट आखिर क्या होता है? यह वीज़ा की तरह होता है जिसमें हम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, आप कितने ड्यूरेशन तक के वहाँ पर रह सकते हैं, आपको जॉब चाहिए या फिर आप टूरिज्म के पर्पज़ से जाना चाहते हैं। सिर्फ नागालैंड के निवासी ही वहाँ पर इनर लाइन परमिट के बिना बेरोक टोक घूम सकते हैं। अगर आप भारत के कोई भी अन्य राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। यह इनर लाइन परमिट आपको कहीं पर भी मिल सकता है। इसके बारे में और जानने से पहले हम नागालैंड के बारे में कुछ और खास बातें जान लेते हैं। नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है। सिर्फ दीमापुर ही मैदानी क्षेत्र है जहां रेलवे और विमान सेवाएं उपलब्ध है। पहले दीमापुर असम के हिस्से में आता था, मगर नागालैंड को देश के परिवहन से जोड़ने के लिए उसे मैदानी क्षेत्र दीमापुर दे दिया गया। कोलकाता से दीमापुर को जोड़ने के लिए वीकली 3 दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है। गवर्नमेंट वेबसाइट noindia.gov पर नागालैंड के बारे में कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड यूनियन ऑफ इंडिया का 16वां राज्य बना। नागालैंड ईस्ट में म्यांमार, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में असम और साउथ में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड राज्य का क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर और 2001 के जनगणना के अनुसार यहाँ का पॉपुलेशन 19,88,636 है। असम घाटी की सीमा से जुड़े इलाके के अलावा इस राज्य का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है, जो नागालैंड और म्यांमार के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। नागालैंड की मेजर ट्राइब्स अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, चियामनी उंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फॉम, पोचुरी, रिंगमा, संगताम, सुमी, यिमस चुंगुरु और जेलिया हैं। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नेंस के अंडर था। आज़ादी के बाद 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया। असम के राज्यपाल इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगे। पहले इसका नाम नागा हिल्स त्यूसेंग था। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे इंडियन यूनियन के राज्य का दर्जा दिया गया। क्या होता है इनर लाइन परमिट? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 के तहत यह व्यवस्था एक लिमिटेड पीरियड के लिए किसी प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री के लिए परमिशन देता है। जॉब या टूरिज्म के लिए पहुंचने वाले को यह इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। बताया जाता है कि गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार ने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। उस समय में नागालैंड में जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का प्रचुर भंडार था जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन परमिट इसलिए शुरू किया था ताकि यहाँ की औषधियों पर दूसरों की नज़र न पड़े और कोई इनको राज्य से बाहर न लेकर जा सके। वहीं आज़ादी के बाद सरकार ने इस सिस्टम को इसलिए जारी रखा कि नागा आदिवासियों का रहन सहन, कला, संस्कृति, बोलचाल औरों से अलग है और उनके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया। इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा जारी एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया में एक भारतीय नागरिक की इंटरनल ट्रैवल परमिट देता है। वह राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री करने के लिए अनिवार्य है। इनर लाइन परमिट के विभिन्न प्रकार हैं, एक पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए जो लंबे समय तक रहने का इरादा रखते हैं। इनर लाइन परमिट भारत के किन किन राज्यों में लागू है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नियम के अनुसार यह असम या नागालैंड के साथ इंटरस्टेट बॉर्डर से
किसी भी चेक गेट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेम्प्ररी विजिटर्स के लिए इनर लाइन परमिट 7 दिनों के लिए वैलिड है और इसे बढ़ाया जा सकता है, जबकि राज्य में रोजगार लेने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 1 वर्ष के लिए वैलिड है। अरुणाचल प्रदेश सरकार एक ऑन अराइवल परमिट सिस्टम को लागू करने की योजना बना रही है। मिजोरम सरकार द्वारा जारी नियम के अनुसार इंटरस्टेट बॉर्डर के पार किसी भी चेक गेट से होकर मिजोरम में एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर विजिटर को एक टेम्प्ररी इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है जो 7 दिनों के लिए वैलिड होता है और इसे असाधारण परिस्थितियों में 1 महीने तक एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी के साथ एक और 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एक स्थानीय निवासी या सरकारी विभाग के प्रायोजन के साथ एक रेगुलर ILP खरीदा जा सकता है जो 6 महीने के लिए वैलिड है और प्रत्येक 6 महीने के लिए 2 बार अपडेट किया जा सकता है। अगर हवाई मार्ग से पहुंचे हों तो आइजोल के लिंगपुई हवाई अड्डे पर एक ILP प्राप्त किया जा सकता है। नागालैंड सरकार द्वारा जारी नियम के अनुसार एक डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ILP की वैलिडिटी 30 दिन है। मणिपुर में ILP लागू करने का विधेयक 2018 में मणिपुर सरकार द्वारा पेश किया गया था। राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद से यह बिल पास नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में लेह जिले के कुछ हिस्सों के लिए पहले एक ILP की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक सर्कुलर द्वारा समाप्त कर दिया गया जो 1 मई 2014 से अप्लाई हुआ। हालांकि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन ILP को 2017 में लेह में फिर से लागू किया गया। राज्य से बाहरी लोगों के प्रवेश को रेगुलेट करने के लिए मेघालय, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ILP की शुरुआत की मांग चल रही है। दीमापुर में इनर लाइन परमिट शुरू करने पर विचार चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज कोई भी नागरिक बिना ILP के घूमकर आ सकता है। पहले वहां भी ILP का रूल था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलन के द्वारा उसे हटाया गया और आज वहां कोई भी घूमकर आ सकता है, नहीं तो वहां की परिस्थिति भी इन राज्यों के जैसे ही होती। अब ये इनर लाइन परमिट आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आप किसी भी स्टेट के द्वारा अगर बाय रोड इन स्टेट्स में एंटर करते हैं तो वो बॉर्डर पर वहाँ पर आपको सरकारी अधिकारी मिलेंगे जो आपको ILP देने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप मिजोरम हाउस, नागालैंड हाउस या अरुणाचल प्रदेश हाउस अगर आप ऑनलाइन टाइप करते हैं तो वहाँ पर से भी आपको इनलाइन परमिट मिल सकती है। इन सभी राज्यों के ऑफिस कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली में भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी इनर लाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं और इन खूबसूरत राज्यों को घूम कर आ सकते हैं। दोस्तों, आपका ये इनर लाइन परमिट जो कि वीज़ा की तरह होता है, उस पर क्या विचार है हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि हमको कहाँ पर जाने के लिए किस तरीके के अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। आप हमको इन सोशल